नमस्कार। भारत की तस्वीर में हम इस समय रविदास घाट पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से और योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद थे। अभी क्रूज विला जो दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और तमाम विदेशी पर्यटकों को लेकर यहां से रवाना हो चुकी है। आप हमारे साथ शिक्षक हैं और सबसे बड़ी बात हमारे साथ BSA साहब हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस पहल को, किस तरीके से आप लेते हैं? ये बहुत शानदार पहल है और ये भारतवर्ष में, विशेषकर उत्तर भारत में जो हमारे जल संसाधन हैं और हमारे इनके माध्यम से हम एक जो अंतर्राज्यीय जल परिवहन की व्यवस्था की गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे परिवहन में और साथ में व्यापार में और टूरिज्म में लगातार वृद्धि होगी। ये कारवा चलेगा 51 दिन का है और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे हैं कि जो विदेशी मेहमान हैं उनको भारतीय संस्कृति दिखाने का प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं और सबसे बड़ी बात है कि वेज खाना दिया जाएगा। ये किस तरीके से आप लेते हैं, हमारी संस्कृति को क्या बताना चाहते हैं? ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उद्देश्य है, जो मिशन है, उसको साकार और फलीभूत करेगा। ये उत्तर प्रदेश से ये यात्रा शुरू होगी और बिहार में 6 जगहों पे होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए और असम की ओर तक जाएगी। रास्ते में हमारे जितने वन्य अभ्यारण्य हैं, तमाम प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, जैसे कामाख्या शक्तिपीठ है, बहुत ढेर सारी आध्यात्मिक और पौराणिक जगहों पर होते हुए और साथ में प्राकृतिक संसाधनों को भी दिखाते हुए भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, जो एक है, सभी संस्कृतियों का सम्मेलन होता है, समामेलन होता है, वो सारी चीजों को साकार करेगी यात्रा। बहुत अच्छी बात, आप लोग गुरु लोग हैं, कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय। सर, आप ये बताइए, हमारे जो बच्चे हैं देश के, वो पर्यटन के लिए तो मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो बच्चे भी हमारी चीजों को समझ रहे हैं या उसके कितने करीब जा पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं और हमको लगता है कि टूरिज़्म में अपार संभावनाएं हैं और इसमें जो सबसे बड़ा नया अध्याय जुड़ा, जो टेंट सिटी बनी है यहाँ पे, टेंट सिटी में लोगों को एक अद्भुत अनुभव होगा और आने वाले समय में हमको लगता है कि बहुत दूर दराज के लोग और विदेशों से भी लोग आएंगे टेंट सिटी का आनंद लेने के लिए। टेंट सिटी का आनंद लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत की तस्वीर में देखिए, आप शिक्षक हैं, आप BSA साहब हैं और तमाम यहाँ पे शिक्षा से जुड़े लोग हैं, आप बता रहे हैं किस तरीके से ये पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री का जो पहल है वो निश्चित तौर से ऐतिहासिक है और बहुत कुछ हो रहा है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।